को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चारों ओर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रायपुर में जिला कांग्रेस और ब्लॉक विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम लोग, आम जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के लोग बैलगाड़ी और साइकिल लेकर विरोध करते दिखाई देते थे, मगर अब महंगाई आसमान छू रही है तब बीजेपी के लोग कहां चुप बैठ गए हैं। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ते जा रही है। इसी कड़ी में आज देवेंद्र नगर में भी हो रहा है, विधायक कुलदीप जुनेजा भी हमारे साथ मौजूद है। आप ये विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी और उनकी टीम कुछ साल पहले जो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते थे, 50 पैसा रेट बढ़ता था पेट्रोल का, 2 रुपया बढ़ता था सिलेंडर का रेट, कहीं प्याज का रेट बढ़ता था, इन लोगों की इनकी जो नेत्रियां हैं गले में सिलेंडर लटका घूमती थी, कभी कोई साइकिल में किर के नौटंकियाबाजी करते थे दुनिया भर का। और आज जब कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में है, जब पूरे जनता यहाँ परेशान है, त्रस्त है, और उसके बावजूद आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कोई हिसाब नहीं। और एक चीज मोदी जी ने जरूर कहा था कि पेट्रोल के दाम तो मैं कम कर दूंगा, और उन्होंने पेट्रोल के दाम जरूर कम किए, तो कैसे कम किए हम लोग देखे, पता चला तो डीजल का रेट बढ़ा दिया, उससे पेट्रोल का रेट कम कर दिया। ये उनके तरीके अलग अलग देश के तरीके कैसे अपनाते हैं, लेकिन जनता त्रस्त है, उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन दे धरना कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि पेट्रोल का डीजल जो कई देश है जहाँ पर पेट्रोल का रेट आज 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बिक रहा है, उनके प्रधानमंत्री का वो बयान आ रहा है तो यहाँ पर भी उसी रेट का रेट इनको करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी यहाँ पे लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वो चाहते हैं कि जो महंगाई है वो कम हो, ताकि ये कोरोना काल में जो हमारे अर्थव्यवस्था में मंडरी हुई है, इस बीच गरीब जनता को राहत मिले। कैमरामैन जोरा राम के साथ सत्यराज एक्सप्रेस। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस।